एक बात का ध्यान रखना है हम सबको, समस्या को लेकर के ये विचार करना है कि समस्या किसको है। तो आपको पता चलेगा समस्या है पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, सास को, बहू को। और हम पैदाइशी तो कोई सास बहू नहीं है, तो यह सास बहू ये बनती है, होती नहीं। हम क्या है? हम मनुष्य है। मनुष्य के लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या किसके लिए है? जब यह मनुष्य स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, अमीर बनता है, गरीब बनता है, तब समस्या शुरू हो जाती है। तो जब होना है तो उसमें समस्या नहीं है, और जब हम बनते हैं तो उसमें समस्या के सिवा कुछ भी नहीं है। और यही बात हमको भगवद गीता के प्रथम अध्याय में बताई गई। अर्जुन के सामने समस्या युद्ध की नहीं थी। अर्जुन के सामने युद्ध करना तो उसका प्रोफेशन था, वो समस्या थोड़ी थी। जैसे कोई डॉक्टर हो, सर्जन हो, और इसको किसी का पेट फाड़ करके कुछ ऑपरेशन करना हो, तो डॉक्टर के लिए ऑपरेशन करना समस्या थोड़ी है, वो तो उसको चाहिए ना। इसीलिए आप किसी सर्जन के पास चले जाओ, उसको कहो जी मेरे कान में दर्द है, तो कहेगा देखो आपके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दर्द कान में है लेकिन पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? वो तो ऑपरेशन करने के लिए तरस रहा है। ऑपरेशन नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? माने ऑपरेशन करना जैसे सर्जन के लिए कोई समस्या नहीं होती, उसी प्रकार से युद्ध करना अर्जुन के लिए समस्या नहीं थी। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि युद्ध के मैदान पर हम कौन होते हैं? केवल योद्धा। लेकिन अपने उस पोजीशन को अर्जुन भूल गया, और वो पोजीशन को भूलने के पश्चात उसने शुरू कर दिया कि मैं किसी का पोता हूँ, मैं किसी का शिष्य हूँ। अच्छा, जब उसने ये सोचा कि मैं किसी का पोता या शिष्य हूँ, तो उसके पश्चात उसने जो विचार किया है वो विचार ठीक ही है। अपने गुरु को मारना अच्छा थोड़ी है, अपने दादा को मार देना अच्छा थोड़ी है। तो उसने जो विचार किया है विचार ठीक किया है, लेकिन गलत स्थान पर विचार ठीक किया है। यदि आपका रेफरेंस ठीक नहीं हो तो आपकी इंक्वायरी गलत होती है। देखो जैसे बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना गलत है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बच्चा ये ऐसा हो कि जैसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसको एक चाटा लगा तो मान लेता है, तो उसको चाटा मारना ही चाहिए। लेकिन जो अगला होता है बिना समझे, वो कहे देखो जी इसने अपने बच्चे को बड़ा पीटा है। देखो इसीलिए अर्जुन की समस्या युद्ध की नहीं थी, उसकी समस्या थी अपने पहचान की। वो अपने को पहचान नहीं पाया कि युद्ध के मैदान में वह योद्धा है, ना कि किसी का पोता, ना तो किसी का शिष्य है। यही हम सब की समस्या है। देखो स्त्री के कितने रूप होते हैं। एक तो होती है वो पिता की कन्या पुत्री, दूसरी होती है वह पत्नी पति की, तीसरी वो होती है माँ पुत्र की, चौथी वो होती है सास अपने जवाई की, और पांचवी वो होती है सास अपने बहू की। देखो पांच हो गए। अब स्त्री माँ के रूप में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, मातृदेवो भव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वही माँ जब अपने जवाई की सांस बन जाती है तो माँ से भी बढ़कर अच्छी होती है। जितने जवाई है उनको मालूम होगा है। और वही माँ जब अपने बहू की सांस बनती है तो उसकी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये आप सबको पता होगा लेडीज लोगों को, सांस किस रोग का नाम है। अब देखो, स्त्री तो वही रही, स्त्री को लेकर के समस्या नहीं है। समस्या बन जाती है जब वो माँ बनती है, जब वो सास बनती है, जब वो बहू बनती है, तब जाकर के समस्या प्रारंभ हो गई। तो करें क्या, अब ये महत्व की बात है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन की समस्या का प्रारंभ जगत से नहीं होता, जीवन की समस्या का प्रारंभ होता है अपने बेवकूफी से। और बेवकूफी क्या है कि हम अपने को भूल चुके हैं और उसमें ऐसे फंस गए हैं कि उसमें से निकलने को तैयार ही नहीं। तो कैसे फंसे हैं, हमने अपने आंखों के सामने ब्लिंकर्स लगा लिए हैं। देखो, आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा होगा, माइक्रोस्कोप में इतना सा ही दिखता है, उसके परे नहीं दिखता। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि इतनी छोटी सी हो गई है। कैसी छोटी हो गई, एक छोटी सी बात हो गई, उसी बात को लेकर के ऐसे फंस जाते हैं मानो यही जीवन का अंत है। अपने जीवन की कोई भी एक समस्या को ले लो आप, जो भूतकाल में हो चुकी है, उस समस्या को लेकर के अब याद करो कि जब ये समस्या हुई थी उस समय आपको क्या लगा था। ओ गॉड, अब तो हम मर गए। कितने बार मरे हम, मर के हम लोग मरने में एक्सपर्ट हो गए लेकिन मरते नहीं। देखो, तो उस समय समस्या को लेकर के ऐसे लगता था कि मानो जीवन खत्म हो गया, और वो समस्या समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती गई, वो समस्या खत्म हो गई। इसीलिए एक बार स्पष्ट समझ लेना, समस्या होती है केवल आइडेंटिटी क्राइसिस की। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हमारी असली आइडेंटिटी ये है कि हम सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। इसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए द्वितीय अध्याय प्रारंभ किया है।